observed a natural this call trend. Is now being recorded. Wait a minute, they have just started the recording now. Shall I again start from beginning? Are you all okay with it? Hello? Yeah, okay. Let me again start because they have just started the recording now. So let me start it again. Yeah. So here, I will just start from here. First, in this first module, that is Introduction to Risk Management, we are going to learn about what is risk and what is risk management. So first of all, यहाँ पे जो पहले दो paragraphs से इसमें they are just explaining what is risk. Risk is the uncertainty surrounding outcome. What does this means? कि risk है, तो risk is something which is very uncertain. We are not expecting कि हमें risk हो सकती है. तो कैसा, like एक कोई investor है and he is investing in some stock. He is expecting कि उसे 7% का return मिलेगा. अब 7% के return के बजाय उन्हें 20% का प्रॉफिट हो गया या फिर 3% का लॉस हो गया, तो दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनएक्सपेक्टेड, एकदम अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस हो गई है. दैट इज व्हाई वी से दैट दिस इज समथिंग व्हिच इज वेरी अनसर्टेन. तो कोई सिचुएशन अगर एकदम अनसर्टेन है, तो दैट इज व्हाई हियर वी आर सेइंग दैट रिस्क इज अनसर्टेनिटी सराउंडिंग आउटकम. नो, इन्वेस्टर्स आर जनरली मोर कंसर्न अबाउट देयर लॉसेस रादर देन व्हाट दे आर हैप्पी विद देयर पॉजिटिव सरप्राइजेस. तो दैट इज व्हाई हियर दे आर सेइंग कि यहाँ पे जैसे 20% का प्रॉफिट हुआ, तो आई वुड बी हैप्पी, बट आई वुड बी लाइक समथिंग कि कुछ बहुत ज्यादा हो गया. बट अगर 3% का मुझे लॉस हो गया एंड आई वॉज एक्सपेक्टिंग अ प्रॉफिट ऑफ 7%, देन आई वुड बी वेरी मच इन टेंशन. दैट इज व्हाई दे आर सेइंग दैट इन्वेस्टर्स आर ऑलवेज मोर कंसर्न अबाउट देयर लॉसेस. Now they are telling that there has been a, they always observe a natural trade-off between risk and return. What does this mean? This is something which is very easy. Agar main zyada risk lungi, then I will expect higher returns. एंड अगर मैं रिस्क कम लूंगी, अगर मैं अपने आपको एकदम सेफ जोन में लेके चलूंगी, तो आई विल एक्सपेक्ट लोअर रिटर्न्स. दैट इज व्हाई दे हैव रिटर्न, दैट इज व्हाई हियर दे हैव रिटर्न. लेट मी जस्ट, हाई रिस्क हैव पोटेंशियल फॉर हाई रिटर्न्स एंड लोअर रिस्क हैव पोटेंशियल फॉर लोअर रिटर्न. अगर मैं ज्यादा रिस्क ही नहीं लूंगी, तो फिर मैं इतने ज्यादा रिटर्न्स भी एक्सपेक्ट नहीं कर रही, क्योंकि मार्केट में ऑलमोस्ट सब लोग कम रिस्क लेके ही चलते हैं, तो फिर वो सब लोगों को इक्वल रिटर्न मिलते हैं. लेकिन जो ज्यादा रिस्क लेगा, उसको रिटर्न्स भी ऑफकोर्स ज्यादा ही मिलेंगे. नाउ सेकेंड पैराग्राफ में व्हाट दे आर टेलिंग इज कि जैसे आई एम, लेट मी जस्ट गिव यू एग्जाम्पल. समझो आई एम एन इन्वेस्टर हु इज इन्वेस्टिंग इन रियल एस्टेट. व्हाट आई विल डू इज आई विल एक्सपेक्ट कि मैं कोई भी एक जमीन में, लैंड में, किसी में भी इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि मुझे प्रॉफिट होगा 1 लाख का, इतना मेरा प्रॉफिट होगा. बट साथ में व्हाट आई विल डू, मैं एक रेयर सिचुएशन में मैं ये भी लेके चलूँ, कभी अगर मुझे प्रॉफिट नहीं हुआ, कोई नेगेटिव सिचुएशन हो गई, तो आई विल एक्सपेक्ट कि हाँ मुझे 10,000 का लॉस भी हो सकता है, ये लॉस है, तो ये मेरा एक्सपेक्टेड लॉस होगा कि हाँ मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ कि मुझे इतना लॉस हो सकता है. बट इन केस अगर सिचुएशन बहुत ज्यादा नेगेटिव हो गई, इकोनॉमी में बहुत क्राइसिस आ गए, 2007-08 जैसी सिचुएशंस हो गई, तो क्या होगा, मेरा जो लॉस है वो हो जाएगा 1 लाख से भी ज्यादा. समझो मेरा लॉस हो गया 1 लाख से भी ज्यादा, तो ये जो हमने एक्सपेक्ट किया था लॉस, इसमें बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आ गई. दैट इज व्हाई यहाँ पे लोग बोल रहे हैं कि रिस्क इज नॉट नेसेसरीली रिलेटेड टू द साइज ऑफ पोटेंशियल लॉस. इट इफ द जो हमने एक्सपेक्ट किया था लॉस, अगर वो उससे भी हाई लेवल पे चले गया, लाइक जो लॉस के अंदर जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा वेरिएबल हो गई और वो अनएक्सपेक्टेडली हाई लेवल्स पे चले गया, तो फिर दैट वुड बी अ प्रॉब्लम फॉर इन्वेस्टर. नाउ वी आर कमिंग टू द कोर पार्ट ऑफ दिस चैप्टर एंड द होल and our whole curriculum, that is risk management. Now what is risk management? अब जैसे कोई भी अच्छी कंपनी हो गई, just let us assume कि HSBC bank ले लेते हैं. हर HSBC bank every like HSBC bank के पास हर एक office में they will have their own risk team.
ना। और इस टीम का क्या काम रहेगा कि वो सबसे पहले रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारी कंपनी कौन कौन से रिस्क के लिए प्रोन है, वो सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कर लेंगे कि हाँ हमारी कंपनी में ये रिस्क हो सकती है, उसके बाद वो मेजर करेंगे कि अगर ये रिस्क हुई तो हमारी कंपनी कितने लॉसेस हो सकते हैं हमारी कंपनी को, तो आफ्टर दैट दे विल मेजर द लॉसेस, मेजर द रिस्क। एंड देन उसके बाद आफ्टर मेजरिंग वो लोग क्या ट्राई करेंगे कि हम इसे मिटिगेट कैसे करें। मिटिगेट करना इन द सेंस कि हम इस रिस्क को जो हमने मेजर करी है इसे हम कैसे कम करें या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट कर दें। दिस इज समथिंग व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट। ये तो मैंने एकदम बेसिक पार्ट बताया, आगे जाके वी आर गोइंग टू लर्न दिस 6 स्टेप्स, ये मैं पूरा डिटेल में बताऊंगी, बट ये मैंने एक एकदम बेसिक सी एक्सप्लेनेशन दी है कि ऐसे हो सकता है कि ऐसे रिस्क मैनेजमेंट पूरा चलता है एक कंपनी के अंदर। तो यहाँ पे दे हैव रिटन दैट रिस्क मैनेजमेंट इज इंक्लूड्स द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज एम टू रिड्यूस और एलिमिनेट एन एंटिटीज पोटेंशियल टू इनकर एक्सपेक्टेड लॉसेस। एक्सपेक्टेड लॉसेस इज समथिंग जो कंपनी ऑलरेडी एक्सपेक्ट करके चल रही है, बट ऐसा भी हो सकता है कि जो हमने लॉस एक्सपेक्ट किया उससे भी ज्यादा लॉस हो जाए। लाइक समथिंग मैंने एक्सपेक्ट किया कि मुझे 50,000 कि मुझे $500 मिलियंस का लॉस होने वाला है, इतना मैं एक्सपेक्ट करके चल रही हूँ, बट इन केस अगर इससे ज्यादा हो गया तो दैट वुड बी कॉल्ड माई अनएक्सपेक्टेड लॉसेस, बिकॉज दिस लॉस इज समथिंग जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रही थी। बट इससे भी हम लोग कैसे डील करेंगे, तो हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक रिजर्व रखती है, हर ऑर्गेनाइजेशन अपने पास एक रिजर्व रखती है जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक कैपिटल टू डील विथ सच काइंड ऑफ लॉसेस। ये टर्म जो है इकोनॉमिक कैपिटल आगे इस चैप्टर में आएगा, अभी जस्ट आई एम एक्सप्लेनिंग यू कि ऐसा होता है कि अगर लॉस एक्सीड कर गया एक्सपेक्टेड लॉसेस को, तो हमारे पास एक इकोनॉमिक कैपिटल करके एक्स्ट्रा रिजर्व में अमाउंट पड़ी रहती है जो हम इन लॉसेस को रिकवर करने के लिए यूज कर सकते हैं। दैट इज वाई रिस्क मैनेजमेंट इज अ वेरी डिफेंसिव टेक्निक। नाउ हाउएवर रिस्क मैनेजमेंट इज ये आई थिंक दिस इज समथिंग वेरी बेसिक, सो यू कैन जस्ट रीड इट। एंड नाउ आई विल टेल यू वॉट इज रिस्क टेकिंग। रिस्क टेकिंग यही है जो मैंने यहाँ ऊपर आपको एक्सप्लेन किया, नेचुरल ट्रेड ऑफ बिटवीन रिस्क एंड रिटर्न। समझो आई नो दैट मेरी कंपनी में एक अमाउंट की रिस्क हो सकती है, बट मुझे उसे थोड़ी और एक्सटेंड करनी है कि मैं थोड़ा और ज्यादा रिस्क लूंगी बिकॉज आई वॉन्ट मोर प्रॉफिट। तो इफ आई विल नीड मोर प्रॉफिट्स आई विल टेक मोर रिस्क। दिस इज समथिंग विच दिस लाइन इज ट्राइंग टू एक्सप्लेन। नाउ आई विल गिव यू 5 मिनट्स, अभी 5:19 हो रहा है, आप लोग 5:23, 5:24 तक टाइम ले लो और एक बार इतना रीड करो, और किसी को कहीं भी डाउट आता है तो मुझसे पूछ लो एक बार। आई थिंक 5:23 तक तो हो जाएगा रीड। एंड आफ्टर हो जाए एक बार सबका तो मुझे एक बार बताना कि इट्स डन।
इज इट डन फॉर एवरीवन? सबको हो गया रीड करके? लेट अस वेट टिल 22, देन स्टार्ट करते हैं आगे। सबको समझ में आ रहा है ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन? ऐसी कोई दिक्कत तो नहीं है ना दैट यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड? ओके चलो लेट अस स्टार्ट करें, आगे बढ़ू मैं? चलो लेट अस स्टार्ट नाउ। लेट अस स्टार्ट विद व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस। अब रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस के अंदर मैंने पहले ही बताया कि रिस्क टीम आइडेंटिफाई करेगी सबसे पहले कि क्या रिस्क हो सकती है, तो ये हमारी सबसे पहली स्टेप होगी। ये सब पूरा डिटेल में आगे बता रखा है उन्होंने। अभी मैं जस्ट बेसिक बेसिक एक्सप्लेनेशन दे रही हूँ एक एक लाइन का कि यहाँ पे कैसे कैसे उन लोगों ने लिख रखा है। सबसे पहले है कि एक रिस्क टीम बैठेगी और फिर वो पूरा आइडेंटिफाई करेगी कि हमारी कंपनी को क्या क्या रिस्क आ सकती है। तो दैट इज समथिंग विच वी कॉल आइडेंटिफाइंग द रिस्क। फिर उसके बाद व्हाट दे विल डू इज मेजर एंड मैनेज रिस्क। अब क्या है, सम रिस्क कैन बी क्वांटिफाइड बट सम रिस्क कैन नॉट बी क्वांटिफाइड। लाइक उनको हम नंबर्स में नहीं निकाल सकते, सच एज रेप्यूटेशन रिस्क। तो वो रिस्क को कैसे मैनेज करना है वो भी हम टैकल करेंगे। ऑलमोस्ट सारी रिस्क को मेजर कर सकते हैं बट कुछ कुछ रिस्क ऐसी हो जाती है जो हम नहीं मेजरमेंट मेजर नहीं कर सकते। लाइक हम हमारे मेथड से उसे मेजर नहीं कर सकते तो हम उसको कोई और तरीके से मैनेज करेंगे। लाइक हम लोग कर सकते हैं सिनेरियो एनालिसिस कर सकते हैं या स्ट्रेस टेस्टिंग कर सकते हैं। तो हम ये सब मेथड्स यूज करते हैं। देन थर्ड स्टेप इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड अनएक्सपेक्टेड रिस्क। अब रिस्क मेजर हो गई हमारी, फिर उसके बाद हम एक ये कैलकुलेट करेंगे कि कंपनी, जैसे ये आगे पूरा वार की कैलकुलेशन पे होता है, ये वार कैलकुलेशन से हम पूरा कैलकुलेट करते हैं कि हमारी कंपनी कितने एक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं और कितने अनएक्सपेक्टेड लॉसेस हो सकते हैं। तो वो सब हम पूरे मेथड्स आके डिस्कस कर रखे, वार के जो मेथड्स है और भी काफी सारे मेथड्स एक्सप्लेन कर रखे, उन सब से हम पता करते हैं कि हाउ कि हमारी एक्सपेक्टेड और अनएक्सपेक्टेड रिस्क क्या है और वो कैसे और उनके क्या नंबर्स है, वो सब आगे हम कैलकुलेट करेंगे। देन वी विल एड्रेस द रिलेशनशिप अमंग रिस्क। अब ये क्या है ना, जैसे हमारी कंपनी में कोई एक रिस्क है, समझो देर इज अ बैंक हु इज फेसिंग क्रेडिट रिस्क, एंड क्रेडिट रिस्क की वजह से ही विल ऑल्सो फेस रेप्यूटेशन रिस्क। द बैंक विल ऑल्सो फेस रेप्यूटेशन रिस्क। वॉट वी कैन सी इज एक रिस्क दूसरे रिस्क को कनेक्ट कर रही है। दैट इज वाई हियर दे आर टेलिंग दैट वी विल एड्रेस द रिलेशनशिप अमंग द रिस्क। देन आफ्टर ये सब करने के बाद एक बैंक, एक जो भी बैंक है वो अपने रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी बनाएगा। रिस्क मिटिगेशन स्ट्रैटेजी मतलब हमने जो रिस्क रिस्क आइडेंटिफाई करी है, मेजर करी है, उसे हम कैसे रिड्यूस करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। एंड देन आफ्टर हमारी सब स्ट्रैटेजीज बन जाएगी, उसके बाद व्हाट वी विल डू, वी विल कीप रेगुलर चेक्स। हम लोग बोर्ड मेंबर सारे बोर्ड मीटिंग में बैठेंगे और प्रॉपर उसे चेक करते रहेंगे कि हाँ ये रिस्क कि हमने जो स्ट्रैटेजी बनाई है वो प्रॉपरली फॉलो हो रही है। और अगर ऐसा लगता है कि जो स्ट्रैटेजी है वो अच्छे से फॉलो नहीं हो रही है, फिर उसके जो हमने सोचा था कि इसकी वजह से हमारे बैंक को इतना प्रॉफिट होगा लेकिन कुछ प्रॉफिट नहीं हो रहा, तो हम उस स्ट्रैटेजी को थोड़ा एडजस्ट करेंगे या फिर
जैसे भी होगा हम उसे थोड़ा सा नई स्ट्रेटेजीज बनाएंगे या फिर कंप्लीटली एलिमिनेट कर देंगे या फिर ये जो स्ट्रेटेजी बनाई है इसी को थोड़ा सा हल्का फुल्का एडजस्ट कर लेंगे। अब हमने जो पहली स्टेप हमारी देखी थी दैट इज आइडेंटिफाइंग द रिस्क, इसको कैसे कैसे बैंक करता है इसे वो हम पूरा देखेंगे। बैंक नहीं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हुई, बैंक जस्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल तो मैं आगे पूरा एक्सप्लेन कर पाऊँ उस हिसाब से, अदरवाइज हर ऑर्गेनाइजेशन अपने अपने अलग अलग प्रोसेस के हिसाब से करता है। नाउ यहाँ पे है रिस्क मैनेजर्स डिप्लॉय सेवरल मेथड्स टू आइडेंटिफाई रेलेवेंट रिस्क। तो अभी हम सबसे पहले रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अब हर कंपनी की एक रिस्क टीम होगी, रिस्क टीम विल सिट विद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और ये दोनों मिलके एक मीटिंग करेंगे। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और रिस्क टीम मिलके एक पूरी मीटिंग करेंगे एंड उसके अंदर व्हाट दे विल डू इज दे विल ब्रेनस्टॉर्म, बैठ के वो लोग डिसाइड करेंगे कि मतलब दे विल जस्ट चेक कि हमारी कंपनी को कौन कौन सी वर्स्ट सिचुएशंस हो सकती है जिसकी वजह से हमारी कंपनी को रिस्क आ सकती है, तो वो सब वर्स्ट सिचुएशंस दे विल थिंक एंड वर्स्ट सिचुएशंस की वजह से विच रिस्क आर टू विच रिस्क इज आर कंपनी प्रोन टू, वो सब हम निकालेंगे। वी विल कैलकुलेट एवरीथिंग, नॉट कैलकुलेट, पहले तो ब्रेन स्टॉर्म करके वी विल जस्ट सी कि हमारी कंपनी क्या क्या रिस्क आ सकती है हमारी कंपनी को। फिर व्हाट एल्स कैन दे डू, दे कैन गो टू देयर सबऑर्डिनेट्स एंड उनका सर्वे ले सकते हैं, क्योंकि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऑफ कोर्स सब कुछ नहीं पता होगा, ऑलमोस्ट 95% चीजें होंगी विच दे विल बी नोइंग, बट कुछ चीज ऐसी हो सकती है जो सबऑर्डिनेट्स को पता होंगी, हो सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को नहीं पता होगी, तो वो वहां पे जाएंगे एंड दे विल टेक देयर सर्वे टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ रेलेवेंट रिस्क। एंड आफ्टर आइडेंटिफाइंग ये सब रिस्क वगैरह आइडेंटिफाई हो जाएगी, उसके बाद वो लोग एक क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करेंगे जिससे दे कैन कैलकुलेट कि रिस्क कितनी होगी, दे कैन मेजर कि हमारे कि जैसे वी हैव मेजर्ड कि हमारे पास कि हमारी कंपनी इज प्रोन टू इंटरेस्ट रेट रिस्क, तो हमारा इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज होगा कितना डिक्रीज होगा, इंक्रीज ही होता है मेजरली, इंटरेस्ट रेट कितना इंक्रीज होगा, तो वो उसका जो एक अमाउंट होता है वो कैलकुलेट करने के लिए हम एक क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करते हैं। अब क्वांटिटेटिव अप्रोच मेजरली वार के यहाँ पे डिस्कशन है इस चैप्टर में, जो आगे जाके वी विल अंडरस्टैंड। फिर उसके बाद यहाँ पे ये लोगों ने लिखा भी है एनालाइज एक्चुअल डेटा टू डिसर्न मैग्नीट्यूड्स एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरियस लॉसेस, ये वार का ही, ये लोग वार के बारे में बात कर रहे हैं, आगे पूरा एक्सप्लेनेशन है। देन दे कैन ऑल्सो डू सिनेरियो एनालिसिस, जैसे कि मैंने बोला था ऊपर कि कुछ कुछ रिस्क ऐसी होती है जो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो इफ वी कैन नॉट कैलकुलेट तो हम उसे सिनेरियोज बनाएंगे, हम क्या करेंगे हम वर्स्ट केस सिनेरियोज बनाएंगे। फिर हम लोगों के पास जो भी हमारे पास, हम लोग स्ट्रेस टेस्टिंग करेंगे और जो जो वेरिएबल्स होंगे हम उन्हें शॉक करेंगे, तो शॉक करने पे स्ट्रेस टेस्टिंग होती है, ये आगे पूरा अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है, आज के लेक्चर में आई थिंक कवर हो जाएगा वो सब। अब इसके बाद रिस्क कौन कौन से तरह के हो सकते हैं, रिस्क मतलब लॉस क्या क्या कैटेगरी कैटेगरीज के हो सकते हैं, दे वो यहीं पे वो लोगों ने ये पैराग्राफ में वो लोग यही समझाना चाह रहे हैं, बट ये पैराग्राफ आई थिंक डायग्राम से ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे आप लोग, इसलिए मैं नीचे डायग्राम ये लिख लेना एक बार आप लोग भी बुक के अंदर। तो सबसे पहली कैटेगरी होती है लॉस की, ओ यहाँ ठीक है ओके ज्वाइन, सबसे पहली कैटेगरी होती है लॉस की एक्सपेक्टेड लॉस। नाउ व्हाट इज एक्सपेक्टेड लॉस, एक्सपेक्टेड लॉस इज समथिंग की कंपनी ऑलरेडी जानती है कि हाँ हमारी कंपनी की मेरी ऑर्गेनाइजेशन को ये रिस्क आ सकती है और इसकी वजह से इतने अमाउंट का लॉस हो सकता है, समझो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन को पता है कि उसको इंटरेस्ट रेट रिस्क आ सकती है एंड उसकी वजह से ही द ऑर्गेनाइजेशन कैन फेस अ लॉस ऑफ अराउंड 300 मिलियन डॉलर्स, तो वो कैलकुलेशन ऑलरेडी उनके पास होगी कि इतना, तो फिर दे विल कीप, सो फिर तो उतना वो लोग क्या करेंगे, वो फीस चार्ज करेंगे अपने कस्टमर से उतनी ज्यादा एंड इस हिसाब से कुछ 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 कैलकुलेशंस करके वो लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग कैसे रिकवर कर ले इस लॉस को। देन इसके बाद आएगा एक्सपेक्टेड लॉसेस। अब एक्सपेक्टेड लॉस क्या होता है, वेरिएबिलिटी इन एक्सपेक्टेड लॉसेस, समझो एक कोई बैंक है आईसीआईसीआई बैंक, वो क्रेडिट कार्ड के लोन्स दे रहा है,
तो दे आर एक्सपेक्टिंग कि ठीक है, 3 कस्टमर्स कैन डिफॉल्ट, बट अगर 3 कस्टमर्स की जगह पे 50 कस्टमर्स डिफॉल्टेड, तो फिर काफी, तो फिर लॉसेस जो होंगे, जो हमने एक्सपेक्ट किया था, उसके अंदर बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी आ जाएगी. तो ये जो वेरिएबिलिटी आ जाएगी ना, इसे हम लोग बोलते हैं अनएक्सपेक्टेड लॉस, कि वी वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि हमें इतना ज्यादा लॉस हो जाएगा, बट लॉस हैज एक्सटेंडेड टू अ वेरी ह्यूज अमाउंट. तो ऐसा हो सकता है कि हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे थे 300 मिलियन का लॉस होगा, लेकिन ये 300 मिलियन की जगह 1000 मिलियन डॉलर्स का हो गया लॉस. तो हाउ टू रिकवर इट, इसके लिए कंपनी अपने पास एक अलग से रिजर्व रखती है, जो मैंने बोला था कि इकोनॉमिक कैपिटल, उसका आगे डिस्कशन आएगा. अभी भी आई थिंक थोड़ा आगे है, यहाँ पे दे हैव एक्सप्लेन्ड इट इन बार इकोनॉमिक कैपिटल. तो हियर आफ्टर व्हेन यू विल कम हियर, यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल. तो ये जो अनएक्सपेक्टेड लॉसेस को रिकवर करने के लिए, पूरा तो रिकवर नहीं होगा बट कुछ अमाउंट तक हम रिकवर कर ले, उसके लिए कंपनी अपने पास रिजर्व रखती है. उसके बाद ये तीसरा लॉस की कैटेगरी आती है, नोन अननोन्स. नोन अननोन्स को हम 19 अनसर्टेनिटी भी बोलते हैं. एंड ये जो वर्ड है ये आप याद रख लेना, क्योंकि काफी बार एग्जाम में दे विल आस्क बाय यूजिंग दिस टर्म ओनली, 19 अनसर्टेनिटी. तो देयर यू कांट रिकलेक्ट कि ये नोन अननोन्स है, तो जस्ट रिमेम्बर इट. अब नोन अननोन्स क्या होता है, दैट ये एक ऐसी रिस्क है जो ऑलरेडी रिस्क टीम को पता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ऐसी रिस्क आ सकती है, बट इसके चांसेस काफी कम है. समझो ओनली देर इज ओनली 1% चांस कि ऐसी रिस्क हमारी ऑर्गेनाइजेशन में आए. तो व्हाट दे विल डू कि वो एकदम स्मॉल स्मॉल स्ट्रेटेजीज बना के रख लेंगे कि इन केस कभी आ गई तो हम लोगों को कैसे इनिशियली हैंडल करना है. उसके लिए दे विल कीप स्मॉल स्मॉल स्ट्रेटेजीज, बट उस पर ज्यादा ऐसे फोकस करके, बहुत ब्रेनस्टॉर्म करके ऐसा नहीं होगा. जस्ट छोटी छोटी सी स्ट्रेटेजीज बना के रखेंगे, जिससे कभी अगर इन केस ऐसी सिचुएशन आ गई तो उसे इनिशियली कैसे हैंडल करना, उसके बाद दे विल टेक सर्टेन डिसीजंस जिसकी वजह से दे कैन हैंडल द रिस्क. आफ्टर दैट ये आता है अननोन अननोन्स. इसके लिए मैं एकदम इजी सा एक एग्जांपल देती हूँ. जैसे कोविड आया था 2020 में, कोई भी रेस्टोरेंट को इंडिया के या फिर पूरे वर्ल्ड के, नो रेस्टोरेंट वॉज नोइंग कि उन्हें 2 ईयर्स तक बंद रखना पड़ेगा सब कुछ. दिस इज सम सिचुएशन कि कोई किसी ने मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन ये सिचुएशन आ गई. तो सच काइंड ऑफ सिचुएशंस आर नोन एज अननोन अननोन्स. ये ऐसा लॉस है जो कोई किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस तरह का लॉस हो सकता है, बट दिस इज सम काइंड ऑफ सिचुएशन विच इज वेरी आउट ऑफ ब्लू, विच इज कम कम्प्लीटली आउट ऑफ ब्लू. दैट इज वाई हियर मैंने यहाँ पे सब कुछ लिख रखा है कि रिस्क विच है विच वी वर नॉट अवेयर अबाउट. अभी आई वुड रिक्वेस्ट कि एक बार सब लोग ये डायग्राम के बाजू में नहीं, ये नोट डाउन कर लो, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं. इतना एक बार वापस से पढ़ लो, फिर आई विल गिव यू 2 मिनट्स कि सब नोट डाउन भी कर लो, उसके बाद आगे बढ़ते हैं. वेयर इज क्वांटिटेटिव अप्रोच, व्हाट इज क्वांटिटेटिव अप्रोच? क्वांटिटेटिव अप्रोच सलोनी, क्वांटिटेटिव अप्रोच इज, क्वांटिटेटिव अप्रोच का मतलब, अब जैसे कोई रिस्क है, मैंने अभी बताया जैसे इंटरेस्ट रेट रिस्क हुआ, तो इंटरेस्ट रेट रिस्क को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, वैसे क्वांटिटेटिव अप्रोच के लिए ना मेजरली हम लोग यूज करते वार. और भी काफी सारे ऐसे मेथड्स होते हैं जो, जैसे हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर लिया, बट उसके बाद हमें कैलकुलेट करना है कि इसकी वजह से हमें कितना लॉस होगा. तो दैट रिस्क भी, जो दैट काइंड ऑफ रिस्क, हाउ टू कैलकुलेट दैट रिस्क, उसे हम लोग बोलते हैं क्वांटिटेटिव अप्रोच, कि उसे नंबर्स में कैसे लेके आए रिस्क को. अभी एक बार रीड कर लो, और फिर यहाँ पे भी मैं ये डायग्राम ओपन ही रखती हूँ, किसी को एग्जाम्पल्स लिखने हैं तो एग्जाम्पल भी लिख लेना. वैसे मैं ये डॉक्यूमेंट शेयर कर ही दूंगी बाद में. आई थिंक एक पोर्टल है ना वहाँ पे, जहाँ पे सारे स्टडी मटेरियल्स डालते हैं, वहाँ पे मैं डाल दूंगी ये पूरा.
यस, रेगुलेटरी कैपिटल वो होता है जो जो मतलब ऐसे रेगुलेटर ने बोल रखा होता है कि इतने अमाउंट, जैसे कोई बैंक है, लेट मी जस्ट एक्सप्लेन यू हियर, यहाँ पे ही बता देती हूँ। जैसे कोई बैंक है तो बैंक को ना रेगुलेटरी कैपिटल मतलब इतना तो रिजर्व उन्हें साइड में रखना ही पड़ेगा। और इकोनॉमिक कैपिटल वो है जो बैंक खुद अपने हिसाब से, अपनी सोच के हिसाब से कि हाँ मुझे इतना लॉस हो सकता है तो एक्स्ट्रा और रिजर्व रखता है। बट रेगुलेटरी कैपिटल तो ऐसा होता है कि गवर्नमेंट ने ही बोला है कि इतना कैपिटल तो आपको रखना ही पड़ेगा। ओ सॉरी सॉरी, ये वाला पॉइंट बोल रहे हैं, एड्रेस द रिलेशनशिप अमंग रिस्क, ये वाला पॉइंट बोल रहे हो आप? शिवम, आर यू टेलिंग अबाउट दिस पॉइंट ओनली? ओके, इसमें फोर्थ पॉइंट का मतलब ये है कि रिलेशनशिप अमंग रिस्क का मतलब कैसा है। जैसे कोई बैंक है, वो बैंक को क्रेडिट रिस्क फेस कर रहा है। क्रेडिट रिस्क मतलब क्या कि वो उसने मैं एक सिचुएशन बताती हूँ, लेट मी जस्ट एड अ पेज। अभी कैसे होता है ना, बैंक कस्टमर्स को लोन देता है। बैंक समझो ना एक कंपनी को लोन दे रहा है, पर बैंक के पास पैसे कहाँ से आएंगे? तो बैंक खुद भी इंश्योरेंस कंपनी से लोन लेता है। ये एक सिचुएशन बता रही हूँ मैं, जस्ट इंश्योरेंस कंपनी से बैंक भी खुद लोन लेता है। अब अगर समझो एक कंपनी ने डिफॉल्ट किया तो बैंक विल ऑल्सो डिफॉल्ट। एंड अगर बैंक ने डिफॉल्ट किया तो बैंक ने डिफॉल्ट किया इसका मतलब क्या हुआ, बैंक को पहले से ही क्रेडिट रिस्क थी। तो बैंक को अगर क्रेडिट रिस्क हुई तो बैंक की भी रेपुटेशन नीचे जाएगी। बैंक इज ऑलरेडी फेसिंग क्रेडिट रिस्क, जिसकी वजह से वो इंश्योरेंस कंपनी को रीपे नहीं कर पाएगा अपना लोन। और अगर वो रीपे नहीं कर पाएगा अपना लोन तो इसकी वजह से बैंक विल ऑल्सो फेस रेप्यूटेशन रिस्क। ये जस्ट एक एग्जाम्पल है कि एक रिस्क की वजह से बैंक को दूसरे रिस्क भी आई। दैट इज वाई देर आर सर्टन रिस्क जिसको जो एक दूसरे को रिलेट करके चलती है। दैट इज वाई देर इज अ रिलेशनशिप अमंग रिस्क। और ये और थर्ड और ये फोर्थ और फिफ्थ स्ट्रेटेजी का मतलब है कि एक बार हमने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, उसके बाद हम उसे कम करेंगे या फिर कम्प्लीटली एलिमिनेट कैसे करेंगे, उसे हम बोलते हैं रिस्क मिटिगेशन स्ट्रेटेजी, कि हम लोग रिस्क को पूरा एलिमिनेट कैसे करें। अंडरस्टूड? शिवम समझा आपको? ओके, ये डायग्राम मैंने हटा दिया था, मैं एक बार और देती हूँ 2 मिनट्स, आप लोग नोट डाउन कर लो। एंड वंस डन जस्ट मुझे एक मैसेज करना है यहाँ पे, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
और सब कभी हो गया है? ठीक है चलो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोगों ने रिस्क आइडेंटिफाई कर ली, अब वो ऑर्गेनाइजेशन का क्या, अब ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर क्या रहता है कि रिस्क को रिटेन करना है या अवॉइड करना है। तो दैट इज व्हाई रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस इन्वॉल्व्स अ फोर वे डिसीजन। इसमें कैसा होता है ना कि इधर दे कैन अवॉइड द रिस्क, इधर दे कैन मिटिगेट द रिस्क, नहीं पहले तो सबसे पहले तो इधर दे कैन अवॉइड या तो दे कैन रिटेन। लेट मी राइट इट हियर ओनली। रिस्क टीम ने मिलके सबसे पहले तो सारी की सारी रिस्क आइडेंटिफाई करी। समझो मॉडल रिस्क आई है, मॉडल रिस्क आई है तो दे हैव टू ऑप्शंस, इधर दे कैन अवॉइड द रिस्क और दे कैन रिटेन द रिस्क। अवॉइडिंग द रिस्क मतलब कि जिस इन्वेस्टमेंट की वजह से उन्हें ऐसी मॉडल रिस्क आ रही थी, दे विल नॉट डू दैट इन्वेस्टमेंट ओनली। एंड रिटेन करेंगे मतलब दे विल टेक, दे विल डू दैट इन्वेस्टमेंट, दे विल डू दैट इन्वेस्टमेंट। एंड अगर रिटेन करेंगे तो भी दे हैव टू अगेन फॉलो टू स्ट्रेटेजीज, दैट इज ईदर दे विल मिटिगेट द रिस्क और दे विल ट्रांसफर द रिस्क। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मिटिगेटिंग द रिस्क एंड ट्रांसफरिंग द रिस्क? मिटिगेट करने का मतलब मैंने अभी ऊपर ही बताया। विल जस्ट चेंज द कलर, ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखना, ये दो चीजें याद रखना एग्जाम के लिए, दैट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मिटिगेट मत करना मतलब इधर दे विल ट्राई टू रिड्यूस, वो लोग कुछ स्ट्रेटेजीज बनाएंगे जिसकी वजह से इधर दे विल ट्राई टू रिड्यूस और एलिमिनेट द रिस्क कंप्लीटली। एंड ट्रांसफर करने का मतलब क्या हुआ? आई विल गिव यू वेरी बेसिक एग्जाम्पल। अब जैसे कोई शॉप है, ठीक है, शॉप ऑफ क्लोथ्स। अब शॉपकीपर को, अब जैसे समझो कि शॉपकीपर को डर है कि अगर कोई बहुत जैसे कि फायर आ गया तो दे कांट, तो वो इतनी बड़ी रिस्क नहीं ले सकते खुद के ऊपर, तो दे कांट टेक दिस बिग रिस्क। तो व्हाट दे विल डू, दे विल ट्रांसफर द रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनीज। दे विल ट्रांसफर द रिस्क टू इंश्योरेंस कंपनी एंड देन दे विल स्टार्ट पेइंग रेगुलर प्रीमियम्स। वो लोग रेगुलर प्रीमियम पे करेंगे एंड इन केस अगर कभी फायर आ गया, देन इंश्योरेंस कंपनी विल टेक केयर। प्लीज ना बेयर विद माई हैंड राइटिंग, आई नो इट्स नॉट गुड बट थोड़ा बेयर कर लेना। मैं जब नोट्स बना के दूंगी तो मैं ऐसे अच्छे से लिख दूंगी, ये जस्ट आई एम एक्सप्लेनेशन के लिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। तो ये दिस इज समथिंग, तो ये चार रिस्क के नाम याद रखना इज वेरी इम्पोर्टेंट। पहला है अवॉइडिंग द रिस्क, सेकेंड इज द बैंक विल रिटेन द रिस्क। आफ्टर रिटेनिंग द रिस्क उनके पास दो स्टेप्स होती है, इधर दे विल मिटिगेट द रिस्क और दे विल ट्रांसफर द रिस्क टू सम थर्ड पार्टी। हम एक बार ओके ओके ठीक है, मैं लिखने का टाइम दूंगी, मैं एक बार ये पूरा पेज आप लोग लिख लो ये एक बार, जस्ट अ मिनट। ठीक है मैं बस इतना, आगे के बस तीन चार पैराग्राफ और है, ये पूरा एक्सप्लेन कर देती हूँ, उसके बाद आप लिख लेना ये। ओके
बट एक बार स्टिल जस्ट नोट डाउन, एक काम करो पहले ही लिख लो, पहले ही नोट डाउन कर लो एंड देन उसके बाद वो पैराग्राफ पढ़ो, और उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आस्क मी, जस्ट नोट इट डाउन। आई एम गिविंग यू ऑल 2 मिनट्स, एक बार लिख लो पूरा। एक बार हो जाए लिख के तो फिर मुझे बता देना, हम आगे बढ़ जाएंगे। तो रिस्क मैनेजमेंट इज अ फोर वे डिसीजन, इसलिए दे हैव टोल्ड दैट रिस्क मैनेजमेंट इज अ फोर वे डिसीजन, ईदर दे विल अवॉइड द रिस्क, दे विल रिटेन द रिस्क, और आफ्टर रिटेनिंग दे विल ईदर मिटिगेट द रिस्क, और दे विल ट्रांसफर द रिस्क टू द थर्ड पार्टी। ओके नॉट डन, वेट अ मिनट शिवम। वैसे मैं बाद में ये डॉक्यूमेंट शेयर भी करूंगी, मैं चाहिए तो आज ही ग्रुप पे शेयर कर दूंगी। या आई विल शेयर द डॉक्यूमेंट, नो नीड टू टेक स्क्रीनशॉट, बट स्टिल इफ यू वांट यू कैन टेक इट। ओके आगे बढ़ते हैं। तो वी हैव डन टिल दिस पैराग्राफ, बस आज अपन लोग यहाँ तक करते हैं, फिर वी विल एंड द सेशन। ओके हमने ये सब कर लिया, इसके बाद व्हाट आर द चैलेंजेस इन रिस्क मैनेजमेंट। नाउ दिस इज समथिंग व्हिच इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्टिल हल्का हल्का पढ़ लेना। यूजिंग डेरिवेटिव मीन्स, वेयर इज दिस रिटर्न। अच्छा ओके, यहाँ पे यू आर टेलिंग थर्ड पार्टी यूजिंग डेरिवेटिव्स और स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स। ओके फाइनली रिस्क मैनेजर्स को ट्रांसफर द रिस्क टू थर्ड पार्टी यूजिंग, ये जो मैन व्हाट आई एम टेलिंग हियर इज दिस ओनली, कि ये जो इंश्योरेंस कंपनीज होती है ना, इसकी जगह पे काफी देर आर अदर एग्जाम्पल्स ऑल्सो, लाइक ABCP करके, कि हम लोग आगे जाके लर्निंग फाइनेंशियल डिजास्टर्स वाले चैप्टर में ना आप लोगों को ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अभी समझाऊंगी तो यू विल नॉट रिलेट विथ मी, बट ABCP करके एक होता है जहाँ से हम लोग हमारी थर्ड पार्टी को रिस्क ट्रांसफर करते हैं, इट इज अ बिग प्रोसीजर, तो आप लोग आगे जाओगे आपको तब समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने अभी नॉर्मल एग्जाम्पल दिया इंश्योरेंस कंपनी का। एंड देन नाउ लेट अस स्टार्ट विद द चैलेंजेस विद रिस्क मैनेजमेंट। अब सबसे पहला चैलेंज क्या हो सकता है, कि जैसे 2007-8 में क्या हुआ था, अभी पूरा तो आप लोगों को नहीं पता होगा आई थिंक, बट 2007-8 में क्या हुआ था, दैट ऑलमोस्ट ऑल द इन्वेस्टर्स वर इन्वेस्टिंग इन सम स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, जो ऊपर बात करी। अब ये जो स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे दे वर वेरी वेरी रिस्की। ये जो प्रोडक्ट्स थे ये काफी ज्यादा रिस्की थे, ये जो जो इन्वेस्टर्स इसमें इन्वेस्ट कर रहे थे ना, दे वर वेरी स्मॉल इन्वेस्टर्स, लाइक ऑलमोस्ट एवरी इन्वेस्टर इन ओवरऑल ओवरऑल द वर्ल्ड, दे वर ऑल इन्वेस्टिंग इन सच रिस्की स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स, एंड उन्हें पता भी नहीं था कि इसके उन्हें लाइक इसके बारे में पूरा प्रॉपर नॉलेज नहीं था। एंड जो ऐसे अननॉलेजेबल जो ऐसे इन्वेस्टर्स थे, उनके पास ही ये पूरे स्ट्रक्चर्ड, उनके पास ही ये सारे, वही लोग ऐसे स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट कर रहे थे। तो ये क्या हो गया था, सबसे पहले तो रिस्क एकदम कॉन्सेंट्रेट हो गई थी, इट वॉज कॉन्सेंट्रेटेड टू सर्टन ग्रुप ऑफ इन्वेस्टर्स जिन्हें प्रॉपर नॉलेज भी नहीं था, एंड उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं था, इसकी वजह से जैसे ही एक इन्वेस्टर को लॉस हुआ ऑलमोस्ट सारे इन्वेस्टर्स को लॉस हुआ।
एंड इकोनॉमी को एंड इट स्टार्टेड हिटिंग द इकोनॉमी एंड ओवरऑल पूरे वर्ल्ड की इकोनॉमी नीचे आ गई एंड जीडीपी आल्सो वेंट डाउन. जीडीपी केम डाउन ड्यू टू दिस प्रोसेस. दैट इज वाई हियर दे हैव सेड दैट द मेजर चैलेंजेस के रिस्क एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड नहीं होनी चाहिए ऐसे इन्वेस्टर्स को जिनको पूरा नॉलेज नहीं हो. इट शुड बी डिस्पर्स अमंग विलिंग एंड एबल पार्टिसिपेंट्स इन द इकोनॉमी. मतलब ऑलमोस्ट रिस्क उन्हीं लोगों को लेनी चाहिए जिनको पूरा नॉलेज हो कि इकोनॉमी कैसे चल रही है. हम अगर कोई डेरिवेटिव में इन्वेस्ट करें लाइक इवन इफ दैट ट्रेडिंग इन फ्यूचर्स और ऑप्शंस तो उन्हें प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो फ्यूचर और ऑप्शन में क्यों ट्रेड कर रहे हैं. उसके अंदर उसका पूरा एक प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए उन्हें. आफ्टर दैट ओनली वी शुड ट्रेड इन सच सच काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स. दैट इज व्हाई हियर दे आर टेलिंग दैट रिस्क शुड बी डिस्पर्स्ड इक्वली. इक्वली मीन्स इट शुड बी डिस्पर्स्ड अमंग जिन लोगों को पता है उन्हीं लोगों को रिस्क लेनी चाहिए. जिन्हें नहीं पता है दे शुड नॉट टेक सच काइंड ऑफ रिस्क. दैट इज व्हाई हियर दे हैव टोल्ड दैट 2007-9 के फाइनेंशियल क्राइसिस में ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स थे ना छोटे छोटे से दे वर इन्वेस्टिंग इन सच कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स और इसकी वजह से काफी ज्यादा लॉस हो गया इकोनॉमी को. नाउ आई वुड टेल एक बार ये रीड कर लो आप लोग सेकेंड और थर्ड पैराग्राफ. उसके बाद ये आखिरी का तो इज वेरी इजी. चले आगे. इज एवरीवन डन विथ रीडिंग दिस टू पैराग्राफ्स? या ओके ठीक है. अब ये बहुत बेसिक सी चीजें हैं, इसको इतना याद रखने की जरूरत नहीं है एग्जाम में. जस्ट मैं एक इंफॉर्मेशन के लिए बता देती हूँ. सबसे पहले तो कि रिस्क मैनेजमेंट में पहला चैलेंज ये था कि एक सब इंडिविजुअल्स को इक्वली जिससे जिसको नॉलेज है उसे उसे ही रिस्क लेनी चाहिए. सेकंड है कि ड्यू टू कॉर्पोरेट गवर्नेंस फेलियर्स काफी सारी ऑर्गेनाइजेशंस में जैसे वी नो सत्यम केस वाज जस्ट एन अकाउंटिंग फ्रॉड. बिकॉज कॉर्पोरेट गवर्नेंस जो स्ट्रक्चर होते हैं ना दे आर नॉट प्रॉपर इन ऑर्गेनाइजेशन. वो अच्छे से उसका ध्यान नहीं रखते. ये थर्ड चैप्टर में हम पूरा अच्छे से पढ़ेंगे. कॉर्पोरेट गवर्नेंस अगर प्रॉपर नहीं है तो उसकी वजह से हमारी अकाउंटिंग जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है उसके अंदर फ्रॉड होने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं. तो सत्यम केस हो गया, एनरॉन केस हो गया, ये सब केसेस आर अबाउट अकाउंटिंग फ्रॉड. और ये अकाउंटिंग फ्रॉड की वजह से हमारे रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल जाता है. दैट इज वाई दे आर टेलिंग की अकाउंटिंग फ्रॉड ऑलमोस्ट रिस्क टीम ना इसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते इसलिए इस तरह के फ्रॉड हो जाते हैं. तो अकाउंटिंग फ्रॉड अकाउंटिंग मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे और जो जो अकाउंटिंग हो रही है उस पे फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट. देन हियर दे आर एक्सप्लेनिंग के डेरिवेटिव जो है लाइक अभी मैंने पहले ही बताया कि ऑप्शन और फ्यूचर्स में आप लोग अगर ट्रेड कर रहे हो तो इन इंडिया देर आर थाउजेंड ऑफ पीपल थाउजेंड के लैक्स ऑफ पीपल जो ऐसे फ्यूचर्स और ऑप्शन में ऐसे ही ट्रेड कर रहे हो. They don't have proper knowledge. अगर उनके पास प्रॉपर नॉलेज नहीं है एंड वो ट्रेड कर रहे हैं ना तो इवन इफ अगर आपने अच्छी रिस्क स्ट्रेटेजी बना बना रखी है स्टिल ये जो रिस्क मैनेजमेंट की पॉलिसीज है ये इफेक्टिव नहीं होगी क्योंकि लोग ही नहीं समझ रहे कि वी शुड नॉट ट्रेड ओवर हियर. एंड वो कॉम्प्लेक्स ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज में जाते हैं लाइक वो लोग बटरफ्लाई स्ट्रेटेजी करते हैं, कॉल पुट करते हैं एंड दैट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी. अगर आपको नहीं पता है कि क्या अगर आपको नहीं पता है प्रॉपर नॉलेज नहीं है देन यू शुड नॉट एंटर इनटू सच काइंड ऑफ ट्रांजैक्शंस. देन हियर एंडिंग में दे आर जस्ट एक्सप्लेनिंग कि ये एक जीरो सम गेम है. अगर किसी को प्रॉफिट होगा तो उसको दूसरे के लॉस के एक्सपेंस के ऊपर ही प्रॉफिट होगा. दिस इज ओनली व्हाट दे आर टेलिंग हियर इन एंडिंग इन दिस पैराग्राफ. दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट
जस्ट रीड दिस पैराग्राफ, लास्ट 3 पैराग्राफ, और इसके बाद आपको पूरे इसमें कुछ भी डाउट है मुझसे एक बार पूछ लो। हो गया रीड करके सबका? ओके ओके नो, ऑल्सो टॉक टू मी, आप लोगों को जम रहा है ना मैं क्या पढ़ा रही हूँ, क्या फिर कुछ भी दिक्कत है? डिवेस्टेटिंग लॉसेस मीन समथिंग, मतलब जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था उससे भी बहुत ज्यादा लॉसेस हो गया, दैट इज डिवेस्टेटिंग लॉसेस। हाँ अभी जस्ट मुझे एक अपडेट दे दो कि किसी को कोई भी चीज ऐसी है जो मेरे साइड से समझ में नहीं आ रही है, फिर सो एनीथिंग लाइक दैट, तो आई विल ऑल्सो इम्प्रूव ऑन इट बिकॉज आई एम ऑल्सो टेकिंग, आई एम ऑल्सो न्यू टू दिस थिंग। के योर अंडरस्टैंडिंग प्रॉपरली, ठीक है, देन टुमारो वी विल अगेन कंटिन्यू विद दिस चैप्टर ओनली। मैं ये पैराग्राफ इतना शेयर कर दूंगी, और फॉर्मूला शीट ना मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं वैसे मेरे पास रफ में बना हुआ है बट मैं थोड़ा सा न्यू बना के अच्छे से आई विल अपलोड इट। ये जो शीट है मैं शेयर कर दूंगी आप लोगों को, इतना इधर इटिल दिस पेज आई विल शेयर इट टू यू टुमारो, आज ही शेयर कर दूंगी रात को, तो सो दैट यू कैन रिवाइज, एंड कल के लेक्चर में एक बार रिवाइज करके आना। ओके चलो लेट्स एंड द सेशन नाउ, वी विल मीट टुमारो, वेलकम, टेक केयर।